हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मिस्टर संजय वर्मा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने वाट का एलईडी बल्ब कितने बड़े रूम्स के अंदर लगाना चाहिए जब भी हम किसी भी दुकानदार के पास एलईडी बल्ब लेने जाते हैं तो दुकानदार हमसे यही पूछता कि कितने वाट का एलईडी बल्ब चाहिए परंतु हमें पता नहीं होता की कि कितने वाट का एलईडी बल्ब हमें जरूरत है आज हम इस वीडियो में तीन अलग अलग वाट के बल्ब लेकर आए हैं नौ वाट का एलईडी बल्ब चौदह वाट का एलईडी बल्ब और बीस वाट का एलईडी बल्ब इन तीनों में क्या डिफरेंस है प्राइस में वारंटी में मेंस में और कौन सा बल्ब कितने बड़े रूम के अंदर लगाना चाहिए इस तरह की कम्पलीट जानकारी आपको इस वीडियो

कोई बाथरूम है हम वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर हमें हल्की फुल्की रोशनी की जरूरत होती है जहाँ पर हमें पढ़ाई वगैरह नहीं करनी होती है बल्ब का आप लुक भी देख सकते हैं नॉर्मल साइज का आपको यह एलईडी बल्ब देखने को मिलेगा इससे अगला हमारे पास फिलिप्स कंपनी का चौदह वाट का एल ई है इसके ऊपर भी लिखा है आई कम्फर्ट यह एल बल्ब है और दोस्तों यह जो बल्ब आपको मार्केट के अंदर मिलेगा लगभग आपको यह दो सौ रुपए के आसपास मिलेगा हो सकता है एक सौ नब्बे रुपए मिल जाए एक सौ अस्सी रुपये मिल जाए या फिर दो सौ रुपये अप्रोक्स दो सौ रुपये मार्केट के अंदर मिलेगा फिलिप्स कंपनी का यह जो एलईडी बल्ब है यह टू स्टार के अंदर आता है इसके ल्यूमेंस की हम बात करते हैं तो चौदह सौ इसके लूमेंस हैं बल्ब को हमने बॉक्स से बाहर भी निकाला हुआ है अब आप इसका जो लुक देखेंगे साइज देखेंगे तो नो वाट एलईडी बल्ब से आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा इस एलई डी का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहां पर जो रूम का जो साइज है नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जैसे कि आपका दस बाई दस का रूम हो दस बाई बारह का रूम हो बारह बाई बारह का रूम हो वहाँ पर इस बल्ब का यूज किया जाता है इसके अलावा आपका नॉर्मल साइज का रूम है जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है तो वहाँ पर भी इसी बल्ब का यूज किया जाता है इसे अगला एल ई हम लेते हैं फिलिप्स कंपनी का, का है और बीस वाट का है आई कम्फर्ट यह एल ई से है यह एल ई आपको मार्केट के अंदर लगभग तीन सौ के आसपास मिलेगा यह एलईडी बल्ब भी टू स्टार के अंदर आता है और दो हजार इसके लूमन से इस एलईडी डी बल्ब का भी लुक आप सामने देख सकते हैं तो यह जो एलईडी बल्ब है यह भी आपको उसी तरह का देखने को मिलेगा जो कि नौ वाट का और चौदह वाट का था इसका जो साइज है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस एल ई बल्ब का यूज हम वहाँ पर करेंगे हमें जहाँ पर ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है जैसे कि कोई पंद्रह बाई पंद्रह का रूम है अठारह बाई अठारह रूम है कोई हॉल वगैरह है या फिर कोई गैलरी वगैरह होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है यदि आपको पढ़ाई वाले रूम्स के अंदर यूज करना था पंद्रह बाई पंद्रह के रूम्स के अंदर ही इसको यूज करें हमने आपको तीनों साइज के एल ई के बारे में जानकारी दे दी अब आप इनकी रोशनी भी चेक कर सकते हैं जैसे कि यह नो वाट का ए डी है इसकी रोशनी आप सामने देख सकते हैं तो वैसे दोस्तों रूम्स के अंदर लगने के बाद में रोशनी का पता चलता है परंतु आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह वह नॉर्मल चेक कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं नौ वाट का एलईडी बल्ब है इसके बाद में हम लेते हैं चौदह वाट वाला जो एलईडी बल्ब है उसको तो यह भी आप देख सकते हैं तो इसकी रोशनी भी आपको नौ वाट वाले से ज़्यादा देखने को मिलेगी नौ वाट का बल्ब और चौदह वाट का जो बल्ब है उसका जो साइज है लगभग सा सेम आपको देखने को मिलेगा अब हम लेते हैं बीस वाट वाला जो बल्ब है वह तो इसकी रोशनी भी आप चेक कर सकते हैं तो इसकी फुल तेज आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं इसकी गारंटी की फिलिप्स कंपनी जो गारंटी देती है वह एक साल की इन बल्ब की रहती है चाहे नौ वाट का हो चाहे चौदह वाट का चाहे बीस वाट का एक साल की आपको इसकी वारंटी मिलने वाली है तो दोस्तों मैंने आपको इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी आपको वीडियो अच्छी तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें